वेलकम टू माय चैनल। आज हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने वाले हैं SCL टेक्नोलॉजी की। इंडिया में इस वक्त ये लीडिंग IT कंपनी है। ये कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में TCS, विप्रो एंड इन्फोसिस से बेहतर रहा है। एंड IT एज ए इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देने लग रही है पिछले 5-10 सालों के अंदर। एंड IT इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आइए बने रहिए इस वीडियो में, आगे हम देखने वाले हैं SCL एज ए कंपनी कैसा परफॉर्म करने लग रही है एंड इंडस्ट्री के अंदर क्या नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा, मैं इस कंपनी से पहले मैंने भी और भी सारी बहुत सारी कंपनीज की लॉन्ग टर्म एनालिसिस की है, जैसे कि टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मदरसन सुमी सिस्टम। ये तीनों काफ़ी बेहतरीन कंपनी है एंड इस वक्त अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है इन कंपनियों का। अगर आपने इस कंपनीज के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से, कंपनी का इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं पहले। तो SCL टेक्नोलॉजी एक ऐसी IT कंपनी है जो कि बिजनेस को हेल्प करती है अपने बिजनेस को रीइमेजिन करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है काफ़ी चेंज हो गया है, बिजनेस करने के तरीके काफ़ी तौर तरीके चेंज हो चुके हैं। तो अभी सब कुछ ऑनलाइन होते हुआ नज़र आ रहा है, लाइक छोटे छोटे बिजनेस ऑनलाइन में बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आपकी लोकल ग्रॉसरी भी अभी किसी न किसी प्रकार ऑनलाइन में इन्वॉल्व ज़रूर है ऑनलाइन बिजनेस में, ठीक है। तो हर एक जगह में ऑनलाइन बिजनेस फैलता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर SCL टेक्नोलॉजी डिजिटल एज में काम करने लग रही है। सो इस डिजिटल एज में जो सबसे मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आने लग रहा है, वो एनालिटिक्स है, क्लाउड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, ये सब जो है काफ़ी मेन सेंटर बिजनेस का है IT के अंदर इस वक्त। SCL की जो है मेन 3 बिजनेस कैटेगरीज है इसके अंदर, वो आती है IT एंड बिजनेस सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज एंड प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज। तो ये 3 मेन कैटेगरीज है कंपनी की। एंड इस वक्त SCL टेक्नोलॉजी $10 बिलियन कंपनी बन चुकी है, ग्लोबल कंपनी। SCL टेक्नोलॉजी जो काम करती है, 3 मोड स्ट्रैटेजी फॉलो करती है ये कंपनी। ये जो स्ट्रैटेजी है 3 मोड स्ट्रैटेजी, ये कंपनी को यूनिक बनाता है कंपेयर टू अदर कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मोड 1 में एग्जिस्टिंग एंड कोर सर्विसेज, मोड 2 में एक्सेलरेटिंग न्यू सर्विसेज, मोड 3 में बिल्डिंग एंड रीइमेजिनिंग मैच्योर प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं पहला से, मोड 1 स्ट्रेटजी क्या है। तो यहाँ पे कंपनी जो मेन फोकस करती है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस, जैसे कि बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के अंदर भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है एंड बहुत सारे सर्विसेज यूज होते हैं, तो वो हो गया एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। एक्सेलरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर, जैसे एनालिटिक्स हो गया, क्लाउड हो गया, जहाँ पे मशीन लर्निंग हो गया या तो AI हो गया, ये सब एक्सेलरेटिंग न्यू सर्विसेज है जहाँ पे डेवलपमेंट नया होने को होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड क्लाउड सर्विस, लाइक छोटे छोटे बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो वो क्लाउड सर्विस को के लिए ऑप्ट करते हैं। वो क्लाउड सीन वो क्या होता है, वो सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं और अपने ऐप को डेवलप कर सकते हैं या तो उसको मेनटेन कर पाते हैं, ठीक है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के। बहुत ही छोटे से सर्विस भी पे करके, रेंटल पे करके वो सर्वर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस टाइप की सर्विसेज का डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि छोटे कंपनी IT के अंदर एंटर करने लग रही है। एंड न्यू बिजनेस एंड रीइमेजिनिंग मैच्योर प्रोडक्ट क्या होता है, जो कंपनी जो है न्यू बिजनेस के अंदर फोकस करने लग रही है, जैसे भी न्यू बिजनेस आ रहा है वहाँ पे कैसे IT सर्विसेज के अंदर IT को डाला जाए, कंपनी वहाँ पे बहुत ध्यान दे रही है। प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म क्या होता है यहाँ पे, कि सपोज़ एक रेडी टू यूज़ प्लेटफॉर्म कंपनी ऑलरेडी बना के रखती है। सपोज़ अगर आपको एक अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना, सपोज़ आपका एक रेस्टोरेंट, आप अपना खुद का ऐप चाहते हैं, या तो आपको खुद का ग्रॉसरी स्टोर है तो आप अपने खुद के लिए ग्रॉसरी ऑनलाइन सेल करने के लिए अगर आपको ऐप चाहिए, तो वहाँ पे एक रेडी टू यूज़ एक ऐप है जहाँ पे आपने अपना बेसिक बिजनेस डिटेल्स डाला, बैंकिंग डिटेल्स डाला, पेमेंट का डिटेल्स डाला, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस डाला, और आपके नाम से वो ऐप रेडी हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐप को बार बार स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी रेडी टू यूज़ है। उस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे आपके बिजनेस के हिसाब से वो कस्टमाइज करके यूज़ किया जाए, ठीक है। तो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग लाइक न्यू स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके लिए इस टाइप का सर्विस को यूज़ करना बहुत ही ईजी एंड फायदेमंद रहता है, बिकॉज उनको रेडीली सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे वो होता है प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस। तो यहाँ पे जो कंपनी को 25% का ग्रोथ देखने को मिला है मोड 2 के अंदर, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोड 2 में अच्छा ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है, नए नए कंपनीज एंटर कर रहे हैं मार्केट के अंदर। की हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या रहा है। तो द न्यू एसेंशियल IT बिजनेस जो हो गया, IT प्रोडक्ट्स जो हो गया, एक न्यू एसेंशियल बन चुका है मार्केट के अंदर। एंड एक्सपर्ट बिलीव करते हैं इस वक्त
कि पैंडेमिक में जो फास्ट एडॉप्शन हुआ है, लोग बहुत ही फास्ट आईटी के अंदर मूव करके आए हैं, छोटे छोटे कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज, क्योंकि वहाँ पे सब ऑनलाइन डिलीवरीज चल रहा था एंड ऑफलाइन में बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कम, बहुत कम था, तो बहुत सारे लोग मूव इन हो गए हैं आईटी बिज़नेस के अंदर पैंडेमिक की वजह से। तो एवरी सेक्टर लाइक हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, रिटेल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, सब आईटी की वजह से यूज़ करके ऑनलाइन आ चुके हैं, आज के दिन सब कंपनी टेकिफाइड हो चुके हैं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस क्लाउड सर्विसेज के अंदर $300 बिलियन का बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है एक्सपर्ट्स को आने वाले टाइम में, एंड SCL ने इसलिए अपने क्लाउड स्मार्ट टेक्नोलॉजी का लॉन्च किया है, जहाँ पे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाते हैं न्यू बिजनेसेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को, जहाँ पे इनका जो डिमांड होता है आईटी का डिमांड, वो बहुत ही कम रेट में मीट हो जाता है विदाउट पुटिंग लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है क्लाउड सर्विसेज का। एंड SCL ने कंपनीज को हेल्प किया है इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ आने के लिए एंड अपने डिमांड को मीट करने के लिए, अपने बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम ऑफ पेंडेमिक। SCL टेक्नोलॉजी ने $10 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस किया है पिछले साल, जहाँ पे 6.7% का ग्रोथ देखने को मिला है एंड हाईएस्ट एवर पाइपलाइन में इनका डिमांड रहा है, ऑर्डर न्यू ऑर्डर्स पाइपलाइन में रहे हैं। पिछले साल 7.3 बिलियन का न्यू ऑर्डर्स मिले हैं कंपनीज को एंड कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 47% इंक्रीज देखने को वहाँ पे मिला है, 19,618 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैश फ्लो वहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर जो कंपनी को जो रिटर्न मिला है शेयर होल्डर, वो पहला एक साल के अंदर 128% का रिटर्न मिला है SCL टेक्नोलॉजीज में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो रिसेंट ईयर में आईटी के अंदर काफ़ी रोल चेंजेस देखने को मिला है हमें। पहले जो आईटी यूज़ किया जाता था वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता था या तो फिर प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट इस वक्त आईटी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, लाइक ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाने के लिए, इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है एंड रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए किया जा रहा है। अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ करने का एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे तो मैंने एक रिसेंट वीडियो बनाया था हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर, वहाँ पे कैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने लग रही है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देखें वीडियो को, आपको पता चलेगा कैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने लग रही है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि आईटी को कंपनी यूज़ कर रही अपने मोर एम्बिशियस गोल्स को अचीव करने के लिए इजीली एंड विद मोर एफिशिएंसी। इस एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर आप देख सकते हो अभी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो गए ऑनलाइन, जैसे आपको उसके लिए बैंक जाना नहीं पड़ता है, आपको जगह जगह अपने अगर आपको लोन लेना है तो आपको कुछ क्लिक्स में, 4-5 क्लिक्स के अंदर अंदर आपको, कुछ घंटे के अंदर आपको चाहे तो पर्सनल लोन उठा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप है जैसे नावी एक ऐप हो गया, तो उस टाइप का सुविधा आपको देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ आईटी के अंदर इतना अच्छा चेंजेस आ गया। पहले नहीं तो आपको बैंक जाना पड़ता था या तो कोई कंपनी में विजिट करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट में साइन करना पड़ता था, उसमें फिर आपको फील्ड विजिट के लाएंगे, बहुत सारा प्रोसेस होता था, एक हफ्ता निकल जाता था लोन सिर्फ सिंपल सा लोन लेने के लिए, बट अभी टेक्नोलॉजी की वजह से वही लोन आपको कुछ घंटे में मिल सकते हैं। वैसे अगर आपको ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना तो पहले आपको 3-4 दिन लग जाता था और अब सेम डे ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है ऑनलाइन फैसिलिटी की वजह से। एंड जो आईटी के अंदर है वो भी $3 बिलियन की सेक्टर होने वाली है, लाइक जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है पिछले 5 साल के अंदर वो $1 ट्रिलियन में इन्वेस्टमेंट होने वाला है आईटी के अंदर, क्योंकि हर एक फील्ड में आईटी घुस चुकी है, हर एक बिजनेसेस को आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर बिजनेस में सर्वाइव करना था, अदरवाइज दे आर गोइंग टू फेल वेरी मिजरेबली। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर कर लेते हैं, ईयर 2022 में कंपनी का क्या प्लान है SCL टेक्नोलॉजीज का। तो SCL टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त प्लान कर रही है नए एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, जैसे कि AI हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड सर्विसेज हो गया, डिजिटल इंजीनियरिंग हो गया, 5G टेक्नोलॉजी हो गया एंड साइबर सिक्योरिटी हो गया, इस टाइप की चीज़ों में कंपनी का प्लान है SCL टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो दुनिया को बदलने वाली यही टेक्नोलॉजी है। एंड कंपनी का जो इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी बात करें तो कंपनी की बहुत अच्छी प्रेजेंस है लाइक मैच्योर मार्केट में, लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, है ना, तो इस टाइप की कंपनी जहाँ पे कंपनी का ऑलरेडी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वहाँ पे कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट डबल करने का प्लान कर रही है सेल्स एंड मार्केटिंग में, ताकि और भी बेटर अपॉर्चुनिटी सामने से निकल के और उसका फ़ायदा पूरा से पूरा उठा सके बिकॉज ऑफ मोर सेल्स एंड मार्केटिंग। एंड कंपनी जो मिड साइज मार्केट है लाइक मैक्सिको, स्पेन, पुर्तगाल, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, इस टाइप की कंपनी छोटे मार्केट है मिड साइज के मार्केट, वहाँ पे भी कंपनी का प्लान है एंटर करने के लिए ईयर 2022 में। अब चलिए आगे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में देख लेते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो वहाँ पे अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में कैसा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं FY 2019-20 and 2021 में कितना अच्छा डिफरेंस है ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर। एंड ओवरऑल अगर चार साल में ग्रोथ की बात करेंगे तो 23.88% से एवरेज ग्रोथ देखने को मिला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर। बात कर लेते हैं एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर सेल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो 6.6% का ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट के अंदर 0.79% ग्रोथ को देखने को मिला, जो कि काफ़ी थोड़ा सा फ्लैट सा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर और थोड़ा बेहतर देखने को मिल जाए तो यहाँ पे थोड़ा मज़ा लाइक स्टॉक में अच्छा रन हो जाएगा। जो एवरेज CAGR है जो कंपनी का सेल्स के अंदर, CAGR मतलब एवरेज सेल्स के अंदर जो ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल के अंदर, वो 9.64% का ग्रोथ हुआ है सेल्स के अंदर। प्रॉफिट के अंदर 5.3% का ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल के अंदर एवरेज जो ग्रोथ रेट है। यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड सेल्स के अंदर अच्छी ग्रोथ है बट और थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे सेल्स Q2 FY21 एंड FY22 से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे 11.8% का ग्रोथ है सेल्स के अंदर। प्रॉफिट के अंदर 3.69 का ग्रोथ है। एंड Q1 वर्सेस Q2 करोगे तो वहाँ पे 2.92% का सेल्स के अंदर ग्रोथ है, 1.68% प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो कंपनी का जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है वो कंपनी के पास ही 60.33% का। FII ने 22% का होल्डिंग है, DIA के पास 12% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास काफ़ी कम होल्डिंग है, SCL के अराउंड 5% के आसपास की होल्डिंग है। रेशियोस यहाँ पे देखते हैं तो 14.81% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो जो कि अच्छी है, लेकिन यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 23.78% करा है जो कि इम्प्रेसिव है। बुक वैल्यू यहाँ पे 224 रुपीज़ है कंपनी का, जो कि 5.9 टाइम्स ट्रेड हो रहा है अपने बुक वैल्यू का करेंटली। यहाँ पे जो कंपनी का अच्छा जो ग्रोथ देखने को मिला वो पिछले 1 साल के अंदर बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिला स्टॉक के अंदर, इसलिए यहाँ पे काफ़ी हाई बुक वैल्यू में इस वक्त अभी ट्रेड होने लग रही है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, वहाँ पे अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर करेक्शन हमें देखने को मिलता है तो, बट ज़्यादा करेक्शन मैं इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड पी रेशियो कंपनी का 2031 में ट्रेड होने लग रहा है जबकि मीडियन 15 है बट इंडस्ट्री एवरेज 44 है। तो यहाँ पे जो TCL जैसे टेक्नोलॉजी इस वक्त 44-42 इस रेंज में ट्रेड हो रही है जबकि SCL 31 PE में ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पे अपवर्ड मोमेंट का एक्सपेक्टेशन अभी भी हम कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ये कंपनी एनीवेज इस वक्त बाकी IT कंपनीज में इंडिया में जो भी है उससे बेहतर परफॉर्म करने लग रही है। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं SCL टेक्नोलॉजीज के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में क्लियरली कि पिछले 5 साल में कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली SCL टेक्नोलॉजी के शेयर्स के अंदर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे रेड लाइन पे यहाँ पे कंपनी ने सपोर्ट लिया है एंड यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ था डाउन की तरफ बट वापस से रिकवरी होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे एक सपोर्ट था अराउंड 1050 लेवल पे, वहाँ पे सपोर्ट उससे पहले कंपनी ने टर्न अराउंड हो गया वापस ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव नज़र होता हुआ ग्राफ है, इस यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट मिला है ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि पिछला हाई जो था कंपनी का अराउंड इस लेवल पे अराउंड 1370 लेवल पे, वहाँ पे कंपनी इस वक्त इसको ब्रेक करने वाली है। एंड अराउंड 1400 हम शॉर्ट टर्म में तो इजीली देख सकते हैं बट यहाँ इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूर होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था थोड़ा सा टेक्निकल कंपनी का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडेक्स को कवर करना चाहूँगा, इंडेक्स में इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स क्या होता है कि जो निफ्टी 50 होता है जो कि स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे इंडिया के अंदर ना सेक्टर के इंडेक्सेस भी होते हैं, लाइक अलग अलग सेक्टर के लिए, एक मेटल के लिए एक इंडेक्स, ऑटो के लिए एक इंडेक्स, लाइक फार्मा के लिए एक इंडेक्स हो गया है ना, तो रियलिटी सेक्टर के लिए एक इंडेक्स हो गया, मीडिया के लिए इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पे हम इंडेक्स का परफॉर्मेंस को देख लेते हैं ताकि आप अपने बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ले सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो के अंदर ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला पिछले 5 साल के अंदर, 16.91% का रिटर्न सिर्फ, एंड बैंकिंग में 1999.42, कंज्यूमर ड्यूरेबल 190 सबसे हाईएस्ट परसेंट रिटर्न आया कंज्यूमर ड्यूरेबल पे, ड्यूरेबल सेक्टर में। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 141, FMCG 80, IT में 113%, मीडिया में माइनस में है, मेटल में 101, ऑयल एंड गैस 45, फार्मा में 35, प्राइवेट सेक्टर में बैंक में 62, एंड PSU में नेगेटिव है, रियल्टी में 176%। तो बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स का देख सकते हो, इस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। जो लाल वाली वो पुअर है, ऑरेंज वाली ने ठीक ठाक रिटर्न दिया कोई इंप्रेसिव नहीं है, येलो वाले ने
गुड रिटर्न दिया है एंड ग्रीन वाले ने एक्सीलेंट रिटर्न दिया है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप डिज़ाइन कर सकते हो कि कौन सा इंडेक्स, कौन सा सेक्टर इंडिया में इस वक्त कैसा परफॉर्म करने वाला है, आने वाले टाइम में भी ये ऐसे ही परफॉर्म होगा मुझे लगता है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हर एक सेक्टर में, लोग की इनकम बढ़ रही, तो लोग की एक्सपेंसिस भी वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, सेम विद फाइनेंशियल सर्विसेज, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त इंडिया में, एंड आईटी तो एनीवेज एवरग्रीन चीज है अभी के वक्त एंड आगे भी शायद रहेगा, तो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन दिस आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सेल टेक्नोलॉजी है वो 138% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर, लाइक FY21 में अगर देखेंगे तो 138% का रिटर्न दिया एक्सेल टेक्नोलॉजी ने। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 115 का रिटर्न दिया, जबकि है ना निफ्टी 100 मार्केट इंडेक्स जो था वो 76% है, तो आप देख सकते हैं कैसे बाकी इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करने लग रही है एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो अब हम जल्दी से कवर कर लेते हैं स्टॉकहोल्डिंग रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि ये कंपनी जो है लीडिंग प्लेयर है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर कंपनी बाकी कंपनी से बेहतर परफॉर्म कर रही है, TCS, विप्रो, इंफोसिस जैसे लीडिंग प्लेयर के कंपेरिजन में। आईटी इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे एवरग्रीन इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं इसको, एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी है ये। न्यू प्लेयर्स जो है मार्केट के अंदर एंटर करने लग रहा है आईटी बिजनेस के अंदर, लाइक जैसे पहले छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स नहीं थे बट अभी उनको भी आईटी की वजह से बिजनेस मिलने लग रहा है, हर एक रेस्टोरेंट ऑनलाइन है, तो मैं छोटे लेवल पर बात कर रहा हूँ, बट अगर B2B मॉडल में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले आईटी के अंदर, आजकल जो वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चलने लग रहा है वो भी आईटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, आजकल घर बैठे आपके बच्चे जो पढ़ाई कर पा रहे हैं वो भी आईटी की वजह से हो पाया है, तो ये सब जो है हर एक इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है आईटी की वजह से, हर एक जगह पे आईटी मूव हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं होता है कि एक जगह एक टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर दे तो वो सालों साल वैसा चलता है, ऐसा नहीं होता, वहाँ टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी चेंजेस आते रहता है, काफ़ी इंप्रूवमेंट आता रहता है, तो इस वजह से क्या होता है इस टाइप की एचसीएल जैसी कंपनीज का आईटी कंपनी का हमेशा बिजनेस मिलता रहता है बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स आप देख ही सकते हैं, कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एंड तो फाइनेंशियली कोई भी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं, कंपनी के पास ज़्यादा डेट बिल्कुल भी नहीं है एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, एंड एक है ना तो ऐसा भी नहीं कि कंपनी बार बार फंड रेज कर रही, तो कंपनी काफ़ी खुद में सेल्फ सफिशिएंट कंपनी है। जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर स्कोप है वो लाइक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं, वहाँ पे मार्जिन में थोड़ा सा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ज़रूर है, थोड़ा सा मार्जिन में अगर इंप्रूवमेंट आ जाए प्रॉफिट मार्जिन में है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा और कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ नज़र आ जाएगा। ओवरऑल बोल सकते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर कंपनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में काम कर रही है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इन कंपनी की प्रेजेंस बहुत अच्छी है डिफरेंट कंट्रीज़ में, कंपनी का प्लान भी है वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को डबल डाउन करने का, जहाँ पे कंपनी का अच्छा डिमांड है, कंपनी का प्लान है मिड साइज कंट्रीज़ के अंदर भी एंटर करने का, एज ए इंडस्ट्री भी काफ़ी आईआईटी बहुत ही अच्छी बूमिंग इंडस्ट्री है। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि हमें आईटी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको आईटी इंडेक्स में भी दिखाया था कैसे आईटी इंडेक्स अच्छा रिटर्न देखने देती हुई नज़र आ रही है, तो ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अच्छा करना रहेगा, तो उस इंडस्ट्री में अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते तो वो तो अच्छा रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ऐसे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, अपनी रिसर्च आप जरूर खुद करें। आशा करता हूँ मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखते रहें। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर, एंजॉय।